हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आपके यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और एमसीक्यू सीरीज का ये सेकंड पार्ट है, क्लास 11 से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे और अब कुछ सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो का हल समुचय होगा। हमें इन चार ऑप्शन में से एक सही आंसर देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो के गुणनखंड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस टू आ जाएगा, माइनस वन कॉमन ले लेंगे x प्लस टू आ जाएगा, बराबर में जीरो हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x प्लस टू और x माइनस वन इक्वल टू जीरो के आ रहा है। तो यहां से x की वैल्यू एक तो माइनस टू और एक x की वैल्यू प्लस वन आ रही है। तो हमें देखना है कि इन ऑप्शन में से प्लस वन और माइनस टू को संतुष्ट करने वाला आंसर कौन सा है। तो यहां पर साफ दिख रहा है कि प्लस वन और माइनस टू के लिए आंसर है ए। आंसर क्या है हमारे पास, ए। इसके अंदर प्लस का वन और माइनस का टू पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कि यदि ए बी का उपसमुच्चय है, मतलब है कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, और ये अगर इसका उचित उपसमुच्चय होता है, उचित उपसमुच्चय, ठीक है, अगर ये इसका उचित उपसमुच्चय होता है तो ये जो बी होगा, बी जो होगा वो होगा अधिसमुच्चय। क्या होगा, अधिसमुच्चय, ये चीज याद रखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिसमुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए और बी असंयुक्त समुच्चय है, ये असंयुक्त समुच्चय के बारे में बोल रहा है। तो असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय वो होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव कॉमन नहीं होते हैं। अगर ए और बी की बात करें तो ए और बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा। अगर कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, फाइव आएगा। तो ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो ये हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि जितने भी उपसमुच्चय होते हैं उनका अगर समुच्चय बनाया जाए तो वो क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये है कि यदि ए फाई है, ए फाई होने का मतलब है कि वो रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या, पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया इसके बारे में, जीरो होती है। तो पी ए, पी ए का मतलब होता है घात समुच्चय। पी ए का मतलब क्या होता है, घात समुच्चय। ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि घात समुच्चय होता है पीए। तो पीए में अवयवों की संख्या, पीए में अवयवों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। पीए में अवयवों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है दो की घात एन, और एन होता है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या यहां पर क्या है, जीरो है। तो क्या हो जाएगा, दो की घात जीरो, यानी कि आंसर आएगा एक, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और फाई में कॉमन क्या आएगा, ए और फाई में कॉमन क्या आएगा। तो ए एक समुच्चय है और फाई एक ऐसा समुच्चय है जिसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, और रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों में पड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। तो ए और फाई में कॉमन क्या, वैसे कॉमन हमेशा छोटी चीज आती है, तो इन दोनों में से छोटा कौन है, छोटा कौन है, फाई है। तो आंसर क्या आएगा, फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेवन तो है कि फाई का पूरक समुच्चय यानी फाई डैश क्या होगा। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय होता है, और फाई डैश का मतलब है कि उसको छोड़ देना है, यानी रिक्त समुच्चय को छोड़ देना है। रिक्त समुच्चय का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं को छोड़ दिया, कुछ नहीं को छोड़ दिया का मतलब सब कुछ, सब कुछ का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, ए माइनस बी होता है, तो इसके लिए हमें वेन आरेख बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, वेन आरेख। तो चलिए बनाते हैं वेन आरेख। ये मैंने एक वेन आरेख बनाया है जिसमें यहां सार्वत्रिक समुच्चय होता है, ये ए और ये बी होता है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी तो हो नहीं सकता क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ये होता है। तो उससे पहले हम देख लेते ए माइनस बी बोलता क्या है। ए माइनस बी बोलता है ए के ऐसे अवयव, ए के ऐसे अवयव
जो बी में नहीं हो। तो अगर मैं इसका छायांकित भाग करूं, अगर मैं इसका क्या करूं, छायांकित भाग करूं, तो हमारे पास कौन सा भाग आएगा, देखिए ये भाग आएगा हमारे पास, कौन सा भाग, ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास पूरा ए है उसके अंदर से ये वाला भाग क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये वाला भाग हटाना है, इस पूरे ए के अंदर से ये वाला भाग हटाना है। तो इसका मतलब है कि ए के अंदर से मेरे को हटाना कौन है, माइनस करना है मुझे, क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक समुच्चय दिया हुआ है, तो इस समुच्चय को अंतराल के रूप में किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो इसके लिए आपको सवृत अंतराल और विवृत अंतराल पता होने चाहिए, सवृत और विवृत। तो सवृत अंतराल और विवृत अंतराल को, सवृत को इस प्रकार से लिखते हैं ए कॉमा बी, और विवृत को इस प्रकार से लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी विवृत आता है तो उसको इस प्रकार से, और सवृत आता है तो यहां पर ग्रेटर देन लेस देन के साथ में इक्वल टू का साइन लगता है। तो ये चीज आपको याद होगी, नहीं याद है तो आप देख लीजिएगा वापस इसको। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि यहां एक तरफ तो बराबर का चिन्ह नहीं है और एक तरफ बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का जहां चिन्ह आता है तो आपको सीधा याद रखना है वहां पर सवृत लगेगा, क्या लगेगा, सवृत। सवृत का मतलब यहां पर आप देख सकते हैं बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट इस तरफ बड़ा ब्रैकेट दो जगह है, एक तो यहां एक यहां, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, बाकी नहीं होंगे। अब यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है, यहां पर बराबर का चिन्ह है क्या, नहीं है। तो बराबर का चिन्ह नहीं, इसका मतलब वहां पर विवृत अंतराल होगा, विवृत अंतराल का मतलब छोटा ब्रैकेट, आप याद रख सकते हैं ऐसे ही शॉर्ट में। तो यहां पर इन दोनों में से छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आधारित है किस पर, डी मॉर्गन नियम पर। अगर आपको डी मॉर्गन नियम याद है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, और इसका आंसर है ए यूनियन बी का, अगर डैश करना चाहें तो वो होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये डी मॉर्गन नियम बोलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। तो ये आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप हो जिसमें आप डेली के 5 से 10 क्वेश्चन एमसीक्यू कर पाए सभी सब्जेक्ट का, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम जल्दी आपके लिए एक ऐसा टेलीग्राम ग्रुप लाएंगे जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।